दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या हो गया है। वो एक से बढ़कर एक नेता जो है वो झूठ बोल रहा है। इन्होंने पता नहीं देश को मजाक समझ रखा है, मेरी समझ से बाहर है। दोस्तों इस वक्त कोरोना वायरस की बीमारी देश के अंदर फैलती ही जा रही है, बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में है हमारा देश। दोस्तों मजदूर जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है, पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बाज नहीं आ रहे, वो अब भी झूठ बोलते जा रहे हैं। दोस्तों यानी भारतीय जनता पार्टी ये मशहूर है कि इनके जो नेता हैं वो ज्यादातर झूठ बोलते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वक्त कोरोना वायरस जो बीमारी चल रही है उससे देश की जो स्थिति है बहुत ज्यादा परेशान है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए, लोगों को राशन बांटना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी कैसी भी परेशानी है लोगों की उनकी मदद करनी चाहिए, पर भारतीय जनता पार्टी बाज नहीं आ रही है। ना तो वो मदद कर रही है किसी की, ना ही जमीनी स्तर पर काम कर रही है, और वो एक तरफ से झूठ बोलती जा रही है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की मंत्री है जिनका नाम है स्मृति ईरानी, वैसे ही वो बहुत ज्यादा मशहूर है, डिग्री को लेकर 3-4 बार झूठ बोल चुकी है एफिडेविट में। इलेक्शन कमीशन को जो देते हैं एफिडेविट, लोकसभा का इलेक्शन जब इन्होंने लड़ता था, ये इलेक्शन जो लड़ते हैं एफिडेविट जो देते हैं उसमें इन्होंने कई बार 3-4 बार झूठ बोल चुकी है अपनी डिग्री को लेकर। दोस्तों इन्होंने एक बार फिर से कोरोना वायरस जो चल रहा है उसमें जो राशन की जो प्रक्रिया जो चल रही है दोस्तों उसको लेकर इन्होंने झूठ बोला है। दोस्तों मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा, आज तक आप स्क्रीनशॉट देखिए। इन्होंने बोला कि हमने देश के 80 करोड़ परिवारों को राशन पहुंचाया है। दोस्तों 80 करोड़ लोगों को नहीं, 80 करोड़ परिवारों को राशन पहुंचाया है। यानी आप देख सकते हैं अगर किसी के परिवार में 3 लोग हैं, यानी 3 लोग मान लेते हैं, तो यानी 240 करोड़ लोगों को इन्होंने राशन पहुंचाया, जबकि इतनी जनता हमारे देश के अंदर नहीं है। अगर हम एक हर परिवार में 2 लोग मान लें तो जब भी 160 करोड़ लोग हो जाते हैं, जबकि हमारे देश में इतने लोग नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये झूठ बोल रही कि हमने 80 करोड़ परिवारों को राशन पहुंचाया। यानी एक तो ये राशन नहीं पहुंचा रहे हैं, फिर ऊपर से ये झूठ बोल रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि इतना झूठ बोलो कि एक टाइम में आकर सच हो जाए वो बात। पर दोस्तों भारत के लोगों को मैं इनको बताना चाहूंगी, भारत के लोग इतने समझदार है कि आप झूठ कितना भी बोलिए वो झूठ ही रहेगा, वो सच में कभी बदलेगा नहीं। पर आप जो एक्सपोज होते रहेंगे और मैं आपको एक्सपोज करता रहूंगा, चाहे दलाल मीडिया, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, कोई ये जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं ये आपको एक्सपोज ना करें। हम जैसे जो पत्रकार हैं, अभिसार शर्मा, पुनिया वाजपेयी जी जो हैं, ये सब जो पत्रकार हैं, हम आपको एक्सपोज करते रहेंगे। दोस्तों यानी आप देख सकते हैं दोस्तों ये जमीनी स्तर पर तो काम नहीं कर रहे, मजदूरों की हेल्प नहीं कर रहे, कितने मजदूर परेशान हैं, हजारों लाखों मजदूर परेशान हैं, पर ये झूठ बोल रहे हैं टीवी पर आकर, कह रहे हैं कि देश के 80 करोड़ परिवारों को हमने राशन पहुंचाया है। चलिए आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जरूर बताइए। इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, आगे शेयर भी करिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।